जॉर्ज स्टेफेंसन इन्हें कोयले के इंजन से ट्रेन चलाने तथा बड़े स्तर पर ट्रेन को विश्व के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने के लिए याद किया जाता है। जॉर्ज स्टेफेंसन ने भाप के इंजन में बदलाव पर एक मजबूत और शक्तिशाली इंजन बनाया जो अपने साथ भारी वस्तुओं को खींचने में सक्षम था। 27 सितंबर 1825 को भाप के इंजन की सहायता से 38 रेल के डिब्बे खींचे गए जिसमें 600 यात्री सवार थे। इस पहली रेलगाड़ी ने लंदन के डार्लिंगटन स्टॉकटन का 37 मील का सफर 14 मील प्रति घंटा के रफ्तार से तय किया। इस घटना के बाद से अनेक देश रेल के इंजन और डिब्बे बनाने में जुट गए। अगर आपको ये छोटी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।